मैं उनका इस मंच से हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इसमें एक बात और मैं डालना चाहूंगी कि जब आप इन नेताओं के मंच पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके मंचों पर आप जब सर में कलगी डालकर तीर धनुष लगाकर आप जब उनके मंचों पर नाचने जाएंगे तो ये वही सत्ताधीश है जो ये कहते हैं कि ये बहुत भोले भाले लोग हैं, ये बहुत सीधे साधे लोग हैं, ये जंगलों में रहते हैं। लेकिन जब आप वही धनुष पे तीर और कलगी लेकर अपना खेती का श्रृंगार जो है हसिया फावड़ा लेकर प्रशासन के दरवाजे पर जाएंगे, शासन के दरवाजे पर जाएंगे अपने हक और अधिकार की मांग के लिए, तो यही शासन और सत्ता में बैठे लोग आपको नक्सलवादी करार दे देंगे। आपको ये कहेंगे कि आप एक हिंसक प्रवृत्ति के इंसान हैं। तो ये जो इनकी दोहरी राजनीति है, जब हम अपने अधिकारों की बात करें तो हम नक्सली हो जाते हैं, हम हिंसक हो जाते हैं, लेकिन जब हम इनके मंचों पर नाचें तो हम एक गरीब शोषित आदिवासी हैं जो दो वक्त की रोटी के लिए इनके मंचों पर नाचते हैं। तो आपको और हम सबको ये विचार करना पड़ेगा कि ये जो साड़ी कंबल लोटा थाली ग्लास कटोरी और एक बोतल दारू, इन सब में जो नेता जो वोट मांगने आते हैं, इनको बताना पड़ेगा कि ये समाज बिकाऊ नहीं है, ये वो समाज है जहां शंकर शाह रघुनाथ शाह जी जैसे वीर पैदा हुए, जिन्होंने अपने समाज के लिए अपने सीने पर जब उनको तोप से बांध कर उड़ा दिया गया, वो खुशी खुशी समाज के लिए न्यौछावर होने के लिए तैयार हो गए। एक तरफ उन्होंने इस समाज के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी और हमारे समाज के कुछ नालायक बेटे हैं जो राजनीतिक पार्टी के पैरों पर बैठ जाते हैं कि उन्हें सत्ता तक कैसे पहुंचना है। तो ऐसे नालायक बेटों को आपको दूर भगाना पड़ेगा। और हमारे बीच मुझे लगता है शासकीय कर्मचारी अधिकारी भी उपस्थित होंगे इस मंच पर, तो मैं बहुत संक्षिप्त शब्दों में ये कहना चाहूंगी कि आज जो हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो ये आरक्षण से हम लोगों के समाज में जितने भी लोग अभी आज नौकरी कर रहे हैं, मुझे लगता है ये उनकी आखिरी पीढ़ी है, क्योंकि जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कानून का ऐसा जाल बुना है, ऐसे नियम बनाए हैं, क्योंकि हमारा समाज, हमारे समाज को इन्होंने शिक्षित होने नहीं दिया, इन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी, हमारे बच्चों को शिक्षा की छूट नहीं दी, इन्होंने समाज को दारू का छूट दिया लेकिन शिक्षा की छूट नहीं दी। तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र को आपको समझना पड़ेगा कि हमारी आखिरी पीढ़ी है जो आरक्षण के दम पर नौकरी कर रही है, और कल को अगर ये लोग सत्ता पे रहे तो इस आरक्षण को भी समाप्त कर देंगे। आज अगस्त में ही वन विधेयक संशोधन अधिनियम 2023 पास हुआ, जिसके बारे में मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों को इस विषय में जानकारी होगी। उसमें सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि यदि कोई कंपनी कहीं पर खदान खोले या किसी तरीके का निर्माण कार्य वो करना चाहती है तो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, ग्राम सभा की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन उन्होंने वन अधिकार कानून के तहत पट्टा दिए जाने के संबंध में अपना स्पष्ट पक्ष नहीं रखा कि क्या ऐसे क्षेत्र जहां पर पारंपरिक निवासरत लोग हैं उन्हें कितने एकड़ का पट्टा दिया जाएगा। तो आज इस तरीके से कई बिल जो है संसद में पास हो रहे हैं और हमें उस बात की जानकारी नहीं है। तो आज वक्त है साथियों, दादा मरकाम जी अक्सर कहा करते थे कि यदि इस समाज के पास जब तक राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी, हमारा इसी तरीके से शोषण होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी उस राजनीतिक भागीदारी को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। और हमारे यहाँ पर उपस्थित समस्त मातृशक्तियों से मैं कहना चाहूंगी कि आज ये दादा मरकाम जी का ही आशीर्वाद है कि आज हमारे ग्रामीण समुदाय की जो मातृशक्तियां हैं, चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो और अन्य समाज की हमारी मातृशक्तियां हैं, दादा मरकाम जी ने वो मान वो सम्मान दिया कि आज इस मंच पर खड़े होकर हम अपने समाज के बीच उन विचारों को रख सकते हैं, उन संकट की परिस्थितियों पर चर्चा कर सकते हैं।
तो दादा मरगाम जी की मेहनत को, उनके संघर्ष को हम व्यर्थ ना होने दें और कभी भी किसी तरीके की जो समस्याएं आए उनका सामना हम सभी मिलकर करें। और ये कोई छोटी बात नहीं थी कि हमारे साथियों को जेल यात्रा करना पड़ा, परंतु ऐसे संकट की घड़ी में आपको और हम सबको मिलकर खड़े रहने की आवश्यकता है। सम्माननीय लिंगो जी ने यह भी कहा कि 100 में से सिर्फ 10 लोग ऐसे होंगे जो विरोध करेंगे, परंतु 90 व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके साथ अभी भी मजबूती से खड़े हैं। तो हमें उन 90 लोगों पर भरोसा करना चाहिए, ना कि वो 10 लोग हमारा मनोबल तोड़ सकते हैं। तो मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी को पुनः सादर से जोहार करती हूँ। आप सभी ने ससम्मान इस मंच पर हमें आमंत्रित किया, जिसके लिए मैं आप सभी का सदैव आभारी रहूंगी। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गुणवाला।